हेलो एवरीवन, साइंस वन लेसन नंबर टू, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। दिस इज 20th वीडियो ऑफ दिस लेसन एंड 10th पार्ट ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। इसमें हम देखेंगे मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर पीरियड वाइज। मैंने थर्ड पीरियड लिया है, ये थर्ड पीरियड देखो। थर्ड पीरियड सोडियम मैग्नीशियम एल्युमियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, ये मैंने थर्ड पीरियड लिया है। पीरियड वाइज देखेंगे मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ओके, अभी देखो ये सोडियम है, तो जो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये लास्ट शेल में का इलेक्ट्रॉन, उनका अट्रैक्शन फोर्स कम है, इसलिए वो क्या करेगा, उसको कम एनर्जी लगेगी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर हम नेक्स्ट एलिमेंट में जाएंगे मैग्नीशियम, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, मीन्स थोड़ा सा अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने वाला है इससे ज्यादा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इधर ज्यादा अट्रैक्शन पॉजिटिव एंड निगेटिव, ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स रहेगा, तो उसको थोड़ी सी और ज्यादा एनर्जी लगेगी ये दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। और आगे जाएंगे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लास्ट शेल में थ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा और ज्यादा रहेगा, अट्रैक्शन फोर्स और ज्यादा रहेगा लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज में, तो एनर्जी और लगेगी डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अभी नेक्स्ट सिलिकॉन देखेंगे, लास्ट शेल में फोर इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं, तो अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो एनर्जी और ज्यादा लगेगी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, गेटिंग। नेक्स्ट फॉस्फरस का देखते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, तो पॉजिटिव एंड निगेटिव अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ेगा, और टू डोनेट 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए बहुत एनर्जी लगेगी, तो वो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा ही नहीं, इंस्टेड ऑफ डोनेटिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि डोनेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है, तो ज्यादा एनर्जी की बजाय उसको कम एनर्जी में ही 3 इलेक्ट्रॉन मिलने वाले, तो देखो डोनेट करने की कैपेसिटी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पा रहा है, इंस्टेड ऑफ डोनेटिंग वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, लेगा। अभी देखो सल्फर का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, 1 2 3 4 5 6, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन बढ़ेगा, सो इट रिक्वायर वेरी हाई एनर्जी टू डोनेट 6 इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं करेगा। ओके, तो इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल मीन्स उसको ज्यादा एनर्जी लगने वाली है, तो इतनी एनर्जी खर्च करने, इंस्टेड ऑफ ये एनर्जी खर्च करने से बेहतर है कि वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, मीन्स एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी बढ़ गई है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, देखो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो अभी क्लोरीन को देखते हैं, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अट्रैक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया यानी ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए बहुत एनर्जी लगेगी, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अभी इलेक्ट्रॉन देगा क्या, नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स लेने का जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो निगेटिविटी। तो जैसे जैसे हम पीरियड वाइज आगे आगे बढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। ओके, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज हो रही है यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज हो रही है यानी नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर हमको ज्यादा दिख रहा है,
यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमको एलिमेंट्स में ज्यादा दिख रही है, ये इंक्रीज हो रही है, यानी मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नॉन मेटालिक इंक्रीज हो रहा है यानी मेटालिक डिक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। ओके, तो समझ में आया। अगर हम पीरियड वाइज जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, मीन्स नॉन मेटालिक कैरेक्टर हमको ज्यादा दिखेगा, और हम ग्रुप वाइज जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर दिखेगा। ग्रुप वाइज जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर दिखेगा, देखो ग्रुप वाइज जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर दिखेगा, और पीरियड वाइज जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर दिखाई देगा। ओके, तो ये हो गया मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर का जो देखते हैं कंपैरिजन। ओके, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रेडेशन इन हैलोजन फैमिली। ओके, थैंक यू।